नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 11th of August 2023 के बारे में। 11 अगस्त 2023 का ये दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफर्मेशन, कौन सा है आज का वास्तु का उपाय, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आज के दिन का स्ट्रक्चर आप सभी के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आज का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष यहां पर दिखाई देता है। आज के दिन में कई तरह की अच्छी चीजें भी हैं और कुछ थोड़ा सा परेशान करने वाली चीजें भी रहेंगी। सबसे पहले अच्छी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के इस दिन में आप सभी के पास कई तरह के मौके रहेंगे जहां पर आप अपने मन की बात किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने दिल की बात किसी को बता सकते हैं, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के दिन में आप सभी को कई तरह के ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप सभी अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो उसमें आप पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हुए नजर आएंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो आज का जो दिन रहेगा ये फाइनेंशियली आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन में पैसों के आने के चांसेस और भी ज्यादा बन जाते हैं और आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ नजर आता है। इसी के साथ आप सभी को ये भी कहूंगा कि आज के दिन में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट यहां पर मिल सकता है, बातचीत शुरू हो सकती है, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं तो आज डेफिनेटली प्लान करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी भी तरह के मेडिकेशन के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। आज के दिन में आप सभी को कई तरह के मौके मिलेंगे जहां पर आप अपनी बीमारियों से ठीक होने का रास्ता निकाल सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मन में उम्मीद आपकी होनी चाहिए। आज मन में जितनी अच्छी उम्मीद रहेगी काम उतना ही अच्छा बनता हुआ नजर आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के दिन में मेक श्योर कि कोई और व्यक्ति आपके दिल को ठेस ना पहुंचाए, इसीलिए किसी की भी बात को अपने मन पर इतनी ज्यादा गहराई से मत लगा दीजिएगा कि आप अपने अच्छे खासे दिन को खराब कर दें। आज के दिन में बहुत ज्यादा बैठ करके सोचने की जरूरत नहीं है, पुरानी यादों में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी चीज को लेकर के अफसोस करने की जरूरत है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का दिन पॉजिटिव है और फ्यूचर को देखने का दिन है, न कि पास्ट को लेकर के अपने आप को परेशान करने का दिन है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आज जितना हो सके अपने आप में पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें और अपने काम को हर तरह से करने की कोशिश जरूर करें। आज एक विशेष चीज आपको बताता हूं, या रेमेडीज के तौर पे एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। आज जिस भी काम में आप लग जाएं, चाहे किसी से बातचीत करने में ही क्यों ना हो, एक मन से लगिएगा, प्रसन्नता से लगिएगा, खुशियों के साथ अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं और आप इसको करने से खुश हैं। ये एटीट्यूड अगर आपका रहेगा तो आज डेफिनेटली सक्सेस मिलते हुए नजर आएगी। आज के दिन में शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं और आपको शेयर मार्केट में बड़ा प्रॉफिट यहां पर निकल सकता है, इस तरह के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैदिक रेमेडीज आज के दिन में काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। वैदिक रेमेडीज में सबसे पहले आज के दिन में कोशिश करिए कि अगर अपने हाथ से आप चावल का या चीनी का दान कर दें तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जब भी मौका मिले आप बच्चों को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं या अपने बच्चों की कोई विश पूरी कर सकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो उससे भी आप सभी को अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। किसी विशेष कार्य से अगर आज आप बाहर जाते हैं तो आप सभी लाइट कलर का इस्तेमाल करिएगा, ग्रे कलर आप पहन सकते हैं या फिर लाइट पिंक कलर आप पहन सकते हैं, बेबी पिंक कलर जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा लेमन कलर भी आप पहन सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर एक विशेष उपाय की जिसको करने से आप सभी को बहुत अच्छे फायदे देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को क्या करना है, अगर पॉसिबल हो पाए, वैसे तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं बट सुबह 12 बजे से पहले कर लें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी को एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और उस जल में आप सभी को कच्चा दूध,
घी और शहद अगर आपके घर पे है तो शहद, या फिर गुड़ अगर आपके घर पे है तो गुड़, ये मिला दीजिएगा। और उसके बाद इस जल को लेकर के आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के इस जल को चढ़ा दीजिएगा और अपने मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करिएगा, अपनी कुलदेवी का ध्यान करिएगा और सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करिएगा कि सारे दोषों से मुक्ति मिल जाए। सिर्फ ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आज के दिन में जिस तरह से ग्रहों का संयोग बन रहा है, ये उपाय आप सभी को बहुत बड़ा फायदा देता हुआ नजर आएगा और कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन से दूर हटते हुए नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं आज के एंजल नंबर के बारे में। कौन सा है आज का एंजल नंबर जो आपके लिए रहेगा बहुत ज्यादा खास? आज का एंजल नंबर आप सभी के लिए नई उम्मीद की किरण लाने वाला है और साथ ही साथ आपकी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करने वाला है। नोट कर लीजिएगा प्लीज, 72685। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नंबर है और इस नंबर को कम से कम 7 बार रिकॉल जरूर करिएगा, इससे आप सभी को अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आज का अफर्मेशन भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और आज के अफर्मेशन को आप जितनी बार चांट करें उतनी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज, आपको बोलना है I am enough and I have enough। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे और इस अफर्मेशन से आपको काफी सारी चीजें महसूस होंगी, काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब जब आप ये अफर्मेशन रिकॉल करेंगे मन में, कोई ना कोई चीज आपको जल्दी से क्लिक करेगी जो आपके लिए आसान रास्ता बनाने में आपकी मदद करेगी। आज अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। आने वाले समय में कोई मांगलिक आयोजन अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ विदेश यात्राओं के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। फॉरेन जाना चाहते हैं, कहीं फॉरेन टूर करना चाहते हैं तो भी आपको सक्सेस मिल जाएगी, इस तरह के योग यहाँ पर जरूर दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला साल बहुत ही शानदार जाता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में कौन सी राशि, नंबर और अल्फाबेट के लिए दिन अच्छा रहेगा। राशियों में सबसे पहले बात कर ली जाए तो मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि, आप सभी के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अल्फाबेट्स में देख लिया जाए तो अल्फाबेट्स में HMRV और Z आप सभी को आज फायदा मिल जाएगा। नंबर्स में बात कर ली जाए तो नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 6 के लिए आज का दिन काफी शानदार दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में क्या रहेगा गोल्डन विश टाइम। गोल्डन विश टाइम में सबसे अच्छा समय जो है आज के पूरे दिन में वो है आपका शाम का समय, 7:15 से लेकर के 9 बजे तक का समय बहुत ही शानदार समय है। इस समय में कोई भी कार्य करे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा कि आज दिन में 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय अवॉइड करके चले, इस समय में कोई भी जरूरी काम ना करें। अब बात कर लेते हैं आज के घर में दिन में वास्तु के लिए आपको क्या करना है। 2 चीजें आज दिमाग में नोट कर लीजिएगा। पहली चीज, आपके घर में डस्टबिन ऐसी जगह रखा हो कि वो किसी को दिखाई ना दे, बार बार आंखों में ना आए। आपके घर में झाड़ू ऐसी जगह रखा हो कि वो बार बार दिखाई ना दे, वो बार बार आंखों में ना आए। और आज कोशिश करिएगा कि आप अपने घर में किचन में चावल थोड़े से एक बाउल में लेकर के खुले रख दीजिएगा और ऐसी जगह रखिएगा कि बार बार दिखाई दे, इससे आप सभी को काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, मन शांत रहेगा, दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा और घर में एक पॉजिटिविटी फील होते हुए नजर आएगी। बहुत अच्छे उपाय हैं, करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि रिजल्ट्स आप सभी को कैसे मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।